माय चैनल। सुबह सुबह नहा धो के फिर पूजा किया। अभी बजा है 9:30 सुबह का। जाने वाला आज मछली नहीं है, इसीलिए बाजार जाएंगे, मछली लेके आना है मुझे। मेरी बेटा नहीं खाएगा मछली, तो मुझे बोलेगा कि 2 दिन से मछली नहीं खा रही हूँ। तो जाएंगे। श्रेयांक का पापा अभी जस्ट उठा है, तो उनको खाना दे देंगे। श्रेयांक नहीं उठा है, ब्रेकफास्ट रख देंगे, वो खा लेगा। तो मैं ब्रेकफास्ट का तैयारी करती हूँ। क्या वही ओट्स, और ओट्स नहीं, वही हम कॉर्नफ्लेक्स के साथ दे देंगे, फ्रूट्स। उन्होंने तो सुबह का खाना ऐसे ही खाते हैं। श्रेयांक को भी आज दे देंगे वही, मैगी नहीं देंगे। चलिए आज पूरा दिन मैं क्या करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए बाजार, और श्रेयांक का पापा जा रहे हैं जिम। আমার চলে সবাই গানটা তুলে নেয়, আমি গান গাই চলে। হ্যাঁ সত্যি, আমি শিশুদের গান গাই না। ও বাবরে, এটা কত? এটা 50। রে মে থাক গই, পরিশান হয়ে গই। গরমি ভি হে আর ইতনা সামান লেকা হে আর ইয়া পে লিফট নেই চল রহা হে। ক্যা হে পতা নেই হে। हम लोगों का फ्लैट का लिफ्ट नहीं चल रहा है। बेटा उठ गया, तुम जाओ कपड़ा वपड़ा पहन लो। ये देखिए कितना सामान लेके आया, उठाना पड़ा मुझे। मुड़ी नहीं था, मुड़ी लेके आया। हम दिखाते क्या कुछ लेके आया। ये मुड़ी लेके आए, करेला बैंगन ये सब लेके आए। देखिए बाजार से चाट टाइप का मछली लेके आया। ये रुई मछली है, ये है पॉम्फ्रेट, इस साइड में हिलसा है जो इलिस बोलते हैं बंगाली में, और इस साइड में है चिंगड़ी। तो ये सब मछली लेके आया। बहुत भीड़ है आज। कुछ दिन बाद रान्ना पूजा है, वो फ्राइडे को शायद, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सब्जी का भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये सब ज़्यादा सब्जी नहीं लेके आए। मैं खाना खा के नहीं गई थी, इसीलिए कुछ खा लेती हूँ। और जो ये मछली ली हूँ ना, ये मछली हम आज पूरा नहीं खाएंगे। हम उसका 3-4 हम बॉक्स बनाए हैं मछली का, तो वो 3-4 दिन हो जाएगा। ऐसे एक साथ में उतना मछली नहीं खाती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाजार हर रोज नहीं जा पाती हूँ, इसीलिए मैंने एक साथ खरीद लेती हूँ। उस दिन जैसे सब्जी बनाया था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। सिर्फ मिर्च और हल्दी नमक डाल के किया था वो। क्या झींगा था, उसके साथ पम्पकिन था वो, और आलू दे के, प्याज एक ठो और थोड़ा सा टमाटो दे के बनाए थे। यही मैंने ली हूँ, यही सब्जी बनाएंगे आज। देखिए इसमें ये देने से 5-15 दिन से इसका अलग का एक फ्लेवर ही आ जाता है। इसमें नमक हल्दी मिर्च और कुछ नहीं देंगे, पानी देके इसको बॉयल कर लेंगे। देखिए हाथ दर्द हो रहा है। इतना सारा मछली जो है, ये सब ठीक करना पड़ेगा। इसको ऐसे करके इसको निकालना पड़ेगा, ये हिलसा पीस है, ये सब मछली फ्रिज में ऐसे करके रख देती हूँ। दाल भी हो गया,
गोबर दिखाए थे ना, इसके अंदर एक ऐसा चीज है जो आप देखिए, ठीक से देखिए, इसके अंदर से ये वाला, इसका अगर नहीं निकाल लीजिएगा, देखिए और एक दिखाती हूँ, इसके इससे ये जो सिर है यहाँ से रहता है, देखिए नाखून से इसको ये वाला सिर, अब अगर नहीं निकाल लीजिएगा आपको पेट में दर्द होगा। आज पॉम्पेट मच बनाऊँगी, से हमको बहुत पसंद है, बहुत सारा काम कर लिया, बहुत देर हो गया, देखिए घर में कितना बजा है, अभी देर बजने वाला है, और शाम को नहाने के लिए बोल देती हूँ। और कल जो मैंने एक्सरे किया था उसी का रिपोर्ट मैंने नहीं लेके आए, बोला था 12 बजे देंगे दोपहर में, तो दोपहर में नहीं हुआ, जाएंगे शाम को लेके आएंगे, देखते हैं क्या एक्सरे में रिपोर्ट में क्या बोलते हैं। फ्राइडे को हम बोलेंगे कि हम खाना बना रहे हैं, तुम जब तक पढ़ लो। देखिए आज भी बिस्तर पे क्या, लेकिन फोन कर रहा हूँ मैं। इधर इधर ये सब क्यों पड़ा है, तुम क्यों कर क्या कर रहे हो, एक घंटे पहले बोला तुमको किताब पढ़ने के लिए, तुम ये सब पेंसिल क्यों, ड्राइंग का पेंसिल लेके क्यों, क्या कर रहा है, हाँ एग्जाम कर रहे हो ना। देखिए दाल सब्जी फिश फ्राई और करेला भाजा रेडी। बजा है 2:30, श्याम को नहाना है, आज मैं उसको साबुन से नहा दूंगी, और चल बेटा चल, और मेरी काम हो चुका है, खाना भी बन गया, झाड़ू पोछा ये सब लग गया, आजा पानी आजा आजा, और झाड़ू पोछा लग गया, अभी उसको नहाने के बाद श्रेया को खिला देंगे। श्रेया का पापा अभी ऑफिस का उस रूम पे काम कर रहा है। श्रेया का आज का खाना है, श्रेया करेला नहीं खाता है, सीधे दाल झाल। श्रेया को लेके जाना है कहाँ, स्विमिंग, चलो कल मैं भूल गए थे, श्रेयांक कल भूल गए थे, स्विमिंग जाना है, चलो यहाँ पे किताब पड़ा है, पैंट खोल के यहाँ पे रखा है, देखो 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 उसका कांड देखो, बा 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 रात का खाना अंडा बनाऊंगी आलू के साथ, आटा रखी हुई है ऐसे करके। अभी थोड़ी रेस्ट कर रही हूँ, श्रेयांक को थोड़ी देर बाद पढ़ा लेंगे, उसके बाद वो 7:30 बजे जाएगा पढ़ने के लिए, उसके बाद उसको पढ़ने के लिए छोड़ देंगे। आज श्रेयांक को पढ़ाने वाली हूँ, आज क्या है, हिंदी दिवस है, और तुम्हारा हिंदी एग्जाम है, कब है हिंदी एग्जाम, फ्राइडे को हिंदी एग्जाम नहीं है, फ्राइडे को है तुम्हारा साइंस एग्जाम, नेक्स्ट वीक में तुम्हारा हिंदी एग्जाम है, ओके? तो ये सब कंप्लीट कर लेना चाहिए। वैसे भी मेरी जो है, मेरी लैंग्वेज हिंदी नहीं था, मेरी संस्कृत था, मैंने कुछ कुछ यहाँ से पढ़ के इसीलिए पढ़ पाती हूँ। श्रेयांक का एक सब्जेक्ट हिंदी है, इसीलिए थोड़ी बहुत पढ़ पाती हूँ, 40% पढ़ लेती हूँ अच्छे से, 60% सीखना होगा, जैसे कि 60% बोल नहीं पाती हूँ उसी टाइप का ही है। श्रेयांक, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और उपभाववाचक। राइट, अभी ये सब पढ़ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, पूरा पढ़ लेना ये लो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए मेरी ब्लॉग यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। अगर मेरी ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, जरूर आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टाटा।